नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोगों के हाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ मेरी जान। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। हाँ जी, आज बात करने जा रहे हैं बुलेरो टीजर पर, बुलेरो सॉन्ग टीजर पर। आई वुड से यस, फीचरिंग है एल्विश यादव। हाँ जी, एल्विश यादव बिग बॉस के फेम और सेकेंड भी बिग बॉस की फेम है, जिनका नाम है मनीषा रानी। तो इन दोनों का एक गाना आ चुका है, तड़कता भड़कता हुआ गाना, जिसमे की आवाज दी है प्रतिंदर एंड असीस कौर ने और लिरिक्स है बब्बू के और म्यूजिक दिया है रजत नागपाल ने। और वीडियो क्रेडिट की बात करें तो डायरेक्टर है नीतीश रायजादा, प्ले डीएमएफ टीम फाउंडर एंड सीईओ जो हैं अंशुल गर्ग हैं। बुलेरो पर अपना देते हैं रिएक्शन। चलो फिर लेट्स गेट इनटू दिस टीजर। हेलो यादव मनीषा रानी। ओके, अरे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं बड़े शहरों में, तू बैठते सही बुलेरो में। ओके, रिलीजिंग ऑन 28th अक्टूबर 11 AM, डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस। ओके, हम भी नहीं भूलेंगे। और जो एक बहुत छोटी सी ग्लिम्स दिखाई गई है, एक्चुअली राव साहब की जो इमेज है, मुझे लगता है मार्केट में ये बनती जा रही है कि एक तो धाकड़ तो है, क्यूट बॉय उन्होंने फर्स्ट सॉन्ग में दिखा दिया। और अगर हम बात करें अब इसमें मनीषा रानी की, मनीषा रानी का बहुत थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स देखने को मिली है, लेकिन काफी बेहतरीन, शी इज रियली गुड। वो बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे रही है। और राव साहब का तो जो इमेज बनाई हुई है ना, धाकड़ वाली डिश कि सिस्टम को हैंग करने वाला, वो उनका हर वीडियो में ऐसा दिखाया जाता है। उनका जो पहला सॉन्ग आया था हम तो दीवाने, तो उसमें भी उनका इसी काइंड ऑफ दिखाया गया था। और मैं चाहती हूँ कि एक बार यार शहनाज गिल के साथ तो बनना वीडियो बनानी बनती है, क्योंकि मुझे लगता है उनके साथ केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी बैठेगी। इसमें भी देखने वाली चीज होगी कि मनीषा रानी के साथ इनकी केमिस्ट्री कैसी रहती है, क्या आग लगा पाता है ये सॉन्ग जितना कि हम तो दीवाने में। मुझे लगता है हम तो दीवाने का अगर मैं क्रेडिट दूं तो मैं उर्वशी रौतेला को नहीं दूं, वो दूंगी पूरा एल्विश यादव और उनके फ्रेंड्स को। इसमें मुझे लगता है फ्रेंड्स देखने को नहीं मिले हैं, कटारिया साहब देखने को नहीं मिले हैं, वो हमने जरूर मिस करा, क्योंकि उम्मीदें यही थी कि हर वीडियो में वो अपने दोस्त को तो लाते हैं। बट इसमें बात कर रहे हैं एल्विश की, एल्विश का लुक काफी अच्छा लग रहा है, मनीषा रानी का भी लुक काफी अच्छा लग रहा है। सॉन्ग की बात करें तो बेबी तेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलवाओगे, ये वाला थोड़ा म्यूजिक ऐसा लगा सुनते हुए, थोड़ा सा रिलेटेबल लग रहा था मुझे। आपको लगा या नहीं जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, या मुझे ही ऐसा लगा। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत बढ़िया था, आवाज तो अच्छी है ही। इसमें असीस कौर की आवाज मैंने नहीं सुनी है, पर जैसे वो था ना कि राता लंबिया लंबिया वे कटे तेरे संगिया संगिया वे, शेर शाह में जो उनकी उन्होंने गाना गाया था वो मेरा फेवरेट है उनका। तो मुझे लगता है इसमें भी कुछ ना कुछ उनकी आवाज जादू चलेगा मनीषा रानी के लिए, उन्होंने अपने वॉइस दिया। ये गाना हिट रहता है या फ्लॉप रहता है ये तो सुनने के बाद पूरा गाना पता चलेगा कि ये हिट है या फ्लॉप है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना ऐसा सॉन्ग नहीं, बस इतना थोड़ा सा मुझे वो लगा कि आपको ऐसा सॉन्ग थोड़ा हटके म्यूजिक देना चाहिए। तो अभी टीजर से तो यही लग रहा है जो मैंने आपको बताया कि बेबी मेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलवाओगे वाला सॉन्ग का थोड़ा सा म्यूजिक मुझे ऐसा लग रहा है। तो ऐसा सॉन्ग मुझे लगता है म्यूजिक ऐसा होना चाहिए कि जो हटके हो, थोड़ा सा टाइम लगता है उसे ऑडियंस के दिमाग में बैठाने के लिए, लेकिन एटलीस्ट कॉपी नहीं लगता। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा। अब ये पूरा सॉन्ग जब रिलीज होगा 28th को 11 AM पर, तब बताएंगे कि ये भाई हिट है या फ्लॉप। एल्विश और मनीषा की बात करूं तो बोथ आर लुकिंग वेरी नाइस टुगेदर ऑन स्क्रीन। बाकी म्यूजिक के बारे में मैं बाद ही में बात कर पाऊंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई होप आपको ये रिएक्शन वीडियो अच्छी लगी हो, जेन्युइन लगी हो, ऑनेस्ट लगी हो। अगर आपको लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट बिना बायस हुए। ओके, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।